कि मैं देखी हूँ तो वो सोच रहा है कि पापा भी आके देखें, है ना बेटा? नहीं तुम भी नहीं, दोनों डांस करो आगे पीछे। हाँ तो हमारा भी पैसा मांग लिए तो गाइस यहाँ राधिका हो गया है डांस। अब डांस के बाद हम करने जा रहे हैं तांडव। सैटरडे सैटरडे वीकेंड वीकेंड तो इतना ज्यादा कल था बीजी, बाप रे। शाम होते होते मेरी हालत खराब हो गई थी और आज संडे, संडे को थोड़ा सा कल से रिलीफ है बट नॉट टू मच। तो यही है हमारी लाइफ। जाओ जल्दी जाओ। हाँ यही है जाओ जल्दी जाओ। तो गाइस जब यह राधिका हेयर कट हो रहा है और मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे अंदर नहीं जा सकती है। मैं सोच रही हूँ क्या मैं करूँ, तो कुछ यहाँ पर मिला है तो मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करती हूँ। एक मैंने ये लिया है। अरे माला समय ठीक हो। तो गाइस मैंने ले लिया पपाया और मैं भी आना, केक वगैरह है तो मैं भी लेगा, नहीं लेगा नहीं पता। मैं प्रिफर करूँगी कि वो नहीं ले क्योंकि क्या होता है ये बहुत बच्चों को फ़ायदेमंद होती नहीं है। तो अगर लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो पेस्ट है। देखते हैं अब क्या। मैं अपना पपाया ले ली हूँ, गाड़ियाँ खड़ी है बट लॉक है, दोनों का अंदर है तो मैं यहीं पे वेट करूँगी उन लोगों के आने का। आ रहा है, देखे आ रहा है तुम्हारी न्यू हेयर स्टाइल। अरे जाने दो है बाल। चलो उतर जाओ। इधर आ जाओ। चलो थोड़ा ही तो टाइम लगा। नहीं लगता बस। हाँ आज गेट खोल रहे हैं, गेट खोल के हमको बैठा रहे हैं। सो गाइस हेयर कट हो गया और हमारी शॉपिंग भी हो गई है। ये आज के पूजा की शॉपिंग है, क्या है होलिका दहन का। और ये पपाया हमने लिया है, बस अब चल दिए हम लोग घर। भैया घर जाके फिर काम करना है, बस दो मिनट लगेगा। और बक्की भी आ गई, बक्की। तो अभी घर पे जाके खाना बनाना है और आज हमारे यहाँ बन रही कटहल की सब्जी। कितने अच्छे दिन पे बन रही है, कल होली के दिन तो बनाना नहीं है तो आज कटहल बना दे रही हूँ। और हमारे यहाँ पूड़ी हम लोग नहीं खाते हैं तो कटहल की सब्जी और देखती हूँ रोटी पराठा और राइस, क्योंकि जीरा राइस और फ्राइड राइस ये सब वेज राइस ये सब इन लोगों को नहीं पसंद आता है तो ये बनाऊंगी, सिंपल राइस बनाऊंगी। अरे यार मैं को कुछ अभी बाहर
इसने भूख क्या, ये क्या बाहर का खाना है। और इसके बाद मेरा ट्यूशन टाइम 1 o'clock को मैंने बच्चों को बुलाया है, तो वो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाना है। फिर शाम को हम लोग जाएंगे होलिका दहन में जो हमारी सोसाइटी में, तो फिर उसका ब्लॉग बनाएंगे। चलिए तो ये ब्लॉग बस इतना ही, अभी देखते हैं थोड़ा, अभी घर पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा बनाएंगे फिर एंड कर देंगे। फिर डोनट बोल रहा है खाने के लिए, डोनट तो ठंडा होगा। और डॉक्टर ने इसको बोला है कि स्विमिंग कर सकता है। मतलब स्विमिंग मना नहीं है। तो एवरीवन जहाँ पे हम घर आ गए हैं, घर आने के बाद फिर मैंने किसी खाना में लेट था तो मैंने ये बनाया था, क्या बोलते हैं, बेसन का चिल्ला है। तो बेसन के चिल्ले को आप ऐसे बना सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे को पसंद है तो आप उसमें फिर डाल के मतलब डाल के बना सकते हैं। तो मीठा वाला और नमकीन दोनों बन रहे, तो मैंने नमकीन बनाया था यहाँ पे। तो ये बहुत मॉस्ट होता है, इसमें क्या आप जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उसको आप क्रश करके इसमें डाल दीजिए। तो मैंने इसमें कैरेट और क्या बोलते हैं शिमला मिर्च और धनिया पत्ती डाल के बनाया था और काफ़ी अच्छा बना था। बट इसकी एक ड्रॉबैक होता है ना मेरे यहाँ, क्या वो जल्दी जल्दी खाना था, किचन लेना था और तो फिर थोड़ा सा क्या हुआ कि थोड़ा ड्राइनेस रहता है। तो इसके साथ आप कुछ लिक्विड आप ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ले के बैठे हो क्योंकि खाने बहुत मुख्य हो जाता है। तो ऐसा था, इसके साथ हमने क्या किया, हमने और हस्बैंड को मैंने बनाना सेक किया था और आराध को मैंगो सेक किया था। बस इसके साथ बच्चे क्या हुआ, आराध ने बहुत थोड़ा सा पैसा हम लोगों ने खा लिया था, बट ये काफ़ी पौष्टिक होता है। और ये जिसके दोनों साइड से करने के बाद ब्राउन होने तक आप सेकिएगा, क्योंकि अगर कच्चा रह जाता है तो क्या होता है बच्चों को नुकसान करता है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही सेक लेती हूँ, डर के मारे कि मैं नुकसान ना करके तो दर्द होने लगता है। यहाँ पे ये मैंने बना लिया था और इसको झटपट हम बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है ना। तो ब्रेकफास्ट में मुश्किल पर इसको आप करिए या फिर इवनिंग के स्नैक्स में आप कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी या फिर बच्चों को अगर भूख लगी ना तो फटाफट ये रेसिपी बन जाती है, पौष्टिक होती है तो नुकसान भी नहीं पहुँचाती है। तो यहाँ पे पहले और 200 वाला जो पेन होता है ना उससे बनाया करिए, तो चिपकता नहीं है। और बस सिंपल, तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को।